हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? मस्त होंगे, है ना? तो दोस्तों, हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना? कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पढ़ भी रहे हैं, है ना? और कुछ लोग पढ़ भी नहीं रहे हैं, तो दोस्तों आप पढ़िएगा। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो पढ़िएगा, क्योंकि आपको केवल पढ़ने का समय अभी मिला है, तो आप पढ़िएगा, नहीं तो आगे जाकर आपको बहुत पछताना पड़ेगा, है ना? बहुत पछताना पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई का समय केवल आपको पढ़ाई में ही देना है, ठीक है? और फालतू बिल्कुल अधर से बिल्कुल भी फालतू काम मत कीजिएगा, केवल पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? आपको मैं कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, कंटिन्यू आपको वीडियो मिल रही है, तो ईमानदारी से बस पढ़ाई करिएगा और अच्छा परसेंटेज बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों 12th में परसेंटेज का बहुत महत्व होता है। यदि आपने 12th में अच्छा परसेंट गेन कर लिया, अच्छा परसेंट आपने बना लिया, तो आगे जाकर आपको बहुत फायदा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आगे आप बीएससी करो, कोई बीए करेगा, है ना, कोई अलग अलग करेंगे, है ना, अलग अलग डिग्रियों में अलग अलग लाइनों में जाएंगे, लेकिन 12th की परसेंटेज का महत्व हर जगह रहेगा। इसलिए दोस्तों आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th में एरोमेटिक एमीन या एल्किल एमीन बनाने की विधियां, ठीक है? तो दोस्तों हमने 14 यूनिट नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक स्टार्ट कर दी थी पिछली वीडियो से, पिछली दो वीडियो इसमें आ चुकी हैं, और दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो मिल रही है सभी यूनिट की, है ना? तो आप पढ़िए, सारी यूनिट की वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, देखिएगा, समझिएगा, मजा आएगा, सबको सब बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, ठीक है? तो सबसे पहले दोस्तों आज हम ये बना रहे हैं एरोमेटिक एमीन और एल्किल एमीन बना रहे हैं। तो एरोमेटिक एमीन की बात करें कि एरोमेटिक एमीन होता है क्या, तो रिंग वाली एमीन होती हैं, मतलब एमीन समूह यदि रिंग से जुड़ा है तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एमीन, है ना? जैसे मान के चलो ये दोस्तों ये रिंग है, और इस रिंग के ऊपर क्या जुड़ा है, NH2 जुड़ा है, तो ये हमारा एरोमेटिक एमीन होता है। इस एरोमेटिक एमीन को भी हम बनाएंगे। और एल्किल की बात करें तो यदि एमीन समूह के साथ कोई एल्किल समूह जुड़ा है तो इसको एल्किल एमीन बोलते हैं। एल्किल में जैसे मेथिल समूह जुड़ा हो सकता है, ठीक है, और इसमें आपका एथिल समूह भी जुड़ा हो सकता है, ठीक है? तो ये हमारा मेथिल एमीन हुआ, ये हमारा एथिल एमीन हुआ, एल्किल एमीन, मतलब ये वाले एमीन बनाएंगे और ये वाले एमीन बनाएंगे, ठीक है? ये हमारा मेथिल एमीन है, ये हमारा एथिल एमीन है, और इसको हम बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। तो ये वाले एमीन हम बनाएंगे आज की वीडियो में, ठीक है? तो सबसे पहले हम बनाएंगे दोस्तों कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो आपकी पहली हेडिंग आपके पास सामने दिख रही होगी, डली है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है? तो मेरे भाई, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वो एसिटिक अम्ल ही होता है, जो एसिटिक अम्ल होता है उसे ही बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। और एसिटिक अम्ल क्या होता है मेरे भाई? CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल होता है। तो इससे हमें एरोमेटिक एमीन या एल्किल एमीन चाहिए। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों, पहले हम पूरा एल्किल एमीन बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम एरोमेटिक एमीन को उठाएंगे। तो अभी हम एल्किल एमीन बना रहे हैं, आप ये याद रखना, ठीक है? ये जो रिएक्शंस हैं वो क्या होता में आती हैं, कैसे आएंगी, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने लिख लिया, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमें एमीन बनाना है, एल्किल एमीन बनाना है। तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की हम हाइड्रोजोइक अम्ल N3H, है ना, से क्रिया कराते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये है आपका हाइड्रोजोइक अम्ल, हाइड्रोजोइक अम्ल, और ये है हमारा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक है? इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभी क्रिया कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है? तो जैसे ही क्रिया कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, जो आपको दिख रहा है ये CO, है ना, तो ये जो आपको दिख रहा है COO, तो ये दोनों है ना, ये CO2 बनाकर बाहर निकल जाएंगे। क्या बना लेंगे? CO2 बनाकर बाहर निकलेंगे, ठीक है? अब CO2 बाहर बना के ये बाहर निकल गया,
तो जो आपका N3 दिख रहा है ये भी सोचेगा कि जब ये निकला है तो मैं क्यों नहीं निकल सकता, मैं भी निकल सकता हूँ। तो N3 क्या करेगा भाई, कि N3 में से जो N2 है वो N2 बना के बाहर निकल जाएगा, मतलब N2 के रूम में जो N3 में से 2 N बाहर निकल जाएंगे N2 के रूम में, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या बचा, देखो 2 N निकल गए, केवल 1 N बचा, और 1 H ये है और 1 H ये, 2 H बचे। तो 1 N 2 H के साथ मिलकर क्या बना लेंगे, NH2 बना लेंगे, क्या बना लेंगे NH2। और यहाँ पर हमारा CH3 है ही, तो ये हमारा CH3 और ये हमारा रहा NH2, तो ये मैथिल और ये क्या है हमारा एमीन, तो ये हमारा बन गया मैथिल एमीन, मैथिल एमीन, ठीक है। तो मैथिल एमीन हमारा ये बन गया है, और मैथिल एमीन कोई एल्किल एमीन बोलते हैं, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से हमने एमीन बना लिया। ये रिएक्शन कैसे आएगी मैं बता रहा हूँ, ये आएगी एग्जाम रिएक्शन। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की हाइड्रेजोइक, यहाँ पर अम्ल लिखना भूल गया हूँ मैं, हाइड्रेजोइक अम्ल है ना, तो क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की हाइड्रेजोइक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको ये पूरा समीकरण देना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि मेथिल एमीन बनता है, ये पूरा समीकरण देना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको जो मैंने अभिक्रिया कराई है ये सिमिट अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया है, सिमिट अभिक्रिया, और सिमिट अभिक्रिया को मैं पहले आपको करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये हमारी सिमिट अभिक्रिया द्वारा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा है नाइट्रो एल्केन से, क्या है नाइट्रो एल्केन, तो सेकंड हेडिंग है हमारी नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एल्केन से, ठीक है। अब देखो उसने बोला नाइट्रो और एल्केन है ना, तो एल्केन मतलब मैथेन ही होता है, मैथेन एथेन प्रोपेन ये ले सकते हैं, तो हमने एल्केन में मैथेन लिया, और इसने क्या बोला नाइट्रो, और नाइट्रो का मतलब क्या होता है मेरे भाई, NO2। तो ये जो हमारा है वो नाइट्रो एल्केन है, क्या दिख रहा है आपको, ये नाइट्रो एल्केन है, ये नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला है। इस नाइट्रो एल्केन से हमें एमीन बनाना है, तो इस नाइट्रो एल्केन का मेरे भाई आपको अपचयन कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा अपचयन, और आपको मैं कई बार बता चुका हूं कि अपचयन हम नवजात हाइड्रोजन से ही कराते हैं, ठीक है। और इसका जो अपचयन है मेरे भाई वो आपको निकिल और पैलेडियम द्वारा कराना है, सॉरी निकिल और पैलेडियम द्वारा इसका अपचयन कराना है, ठीक है। तो इस नाइट्रो एल्केन का अपचयन कराओगे तो मेरे भाई इसमें आप 6 अणु लोगे, कितने अणु लोगे 6। अब 6 अणु लोगे तो 6 में से जो 4 अणु होंगे एच के, वो 4 अणु इन 2 के साथ, 2 O दिख रहे हैं आपको, 4 H इन 2 O के साथ बना लेंगे 2H2O, ये 2H2 हो गया बाहर। अब हमारे पास 2 H बचे हैं, तो दो दो एच बचे हैं, ये 2 H इस N के साथ जुड़ जाएंगे तो बन जाएगा NH2, तो हमारा ये बन जाएगा CH3NH2, जो हमारा मैथिल और ये एमीन, ये मैथिल एमीन हो गया। तो इस टाइप से दोस्तों हम नाइट्रो एल्केन से भी बना सकते हैं एल्किल एमीन, ओके ठीक है। थर्ड हमारी रिएक्शन है एल्किल साइनाइड से, एल्किल एल्किल साइनाइड, साइनाइड एल्किल साइनाइड से, ठीक है। तो दोस्तों एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड क्या होता है, तो देखो एल्किल में हमारा, देखो मैथिल एथिल ले सकते हैं, तो देखो एल्किल में हमारा क्या आ सकता है, CH3 आ सकता है, मैथिल आ सकता है, आ सकता है ना, ठीक है आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एल्किल हमारा ले लिया मैथिल, और साइनाइड क्या होता है CH, साइनाइड क्या होता है CN, तो ये हमारा हो गया एल्किल साइनाइड, ये हमारा एल्किल साइनाइड का फॉर्मूला है। एल्किल साइनाइड में इसका नाम क्या है, मैथिल साइनाइड, ठीक है। ये सब जैसे मैथिल साइनाइड हुआ, एथिल साइनाइड हुआ, ये सब एल्किल साइनाइड होते हैं, ठीक है। तो ये मैथिल साइनाइड हमने ले लिया, जिसको एल्किल साइनाइड ही बोलते हैं। इसके द्वारा हमें एमीन प्राप्त करना है, तो मेरे भाई इसका भी हमें क्या कराना है, अपचयन कराना है, क्या कराना है अपचयन, और अपचयन आप निकिल और पैलेडियम द्वारा भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अलग से करा के बता रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम, हाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करा रहा हूँ, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा मैं इसका अपचयन करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मैं इसका अपचयन कराऊंगा, तो मैं इसके 4 अणु ले रहा हूँ, कितने अणु ले रहा हूँ 4 अणु,
तो चार अणु में से दो अणु इस सी के साथ जुड़ जाएंगे और दो अणु इस एन के साथ जुड़ जाएंगे। तो दो अणु सी के साथ जुड़ेंगे तो देखो क्या कंडीशन बनेगी। तो ये सी एच थ्री तो पहले से ही है, दो अणु इस सी के साथ जुड़ जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा सी एच टू, दो अणु इस एन के साथ बन जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा एन एच टू। तो देखो ये दो कार्बन है और तीन और दो पांच हाइड्रोजन है, मतलब ये सी टू एच फाइव बना है। क्या बना है? ये सी टू एच फाइव बना है, और सी टू एच फाइव को हम क्या बोलते हैं? एथिल। और ये क्या है? एमीन। तो इसका नाम क्या है मेरे भाई? एथिल एमीन, जिसको हम एल्किल एमीन भी बोलते हैं। तो ये हमने दोस्तों बनाया एल्किल साइनाइड से, क्या का एल्किल साइनाइड से हमने बनाया एल्किल एमीन। ठीक है, तो ये तीन मेथड द्वारा बनाया। अब हम आगे देखते हैं, अब हम बनाते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड से। तो एल्किल का मतलब दोस्तों मैथिल, एथिल में कुछ भी ले सकते हो, तो हम जनरली लेते हैं मैथिल, तो ये मैथिल ले लिया, और आइसोसाइनाइड है ना। तो देखो सीएन होता है साइनाइड, और सीएन का उल्टा यदि हम एनसी कर देते हैं तो ये बन जाता है आइसोसाइनाइड। तो इसमें हमें क्या लेना है? एनसी। तो ये मैथिल आइसोसाइनाइड हुआ, ठीक है, मैथिल आइसो साइनाइड, जिसको हम एल्किल आइसोसाइनाइड ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना ये मैथिल आइसोसाइनाइड है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, मैथिल मैथिल आइसो साइनाइड साइनाइड है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? इसको हम एल्किल आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमें इससे एमीन प्राप्त करना है, तो मेरे भाई इसका भी आपको क्या कराना पड़ेगा? अपचयन कराना पड़ेगा। क्या? अपचयन, है ना। अब अपचयन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा ही करा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा ही इसका अपचयन कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें मेरे भाई हम इसमें कितने अणु लेंगे? इसके इसमें हम इसके चार ही अणु लेंगे, है ना। कितने अणु लेंगे? चार ही अणु लेंगे। तो चार अणु में से एक जो एच है वो एन के साथ जुड़ जाएगा, और तीन एच इस सी के साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो एक एच इस सी एन के साथ और तीन एच सी के साथ जुड़े तो क्या बनेगा? देखो ये हमारा सी एच थ्री तो पहले से ही है, और एक एच एन के साथ जुड़ गया तो एन एच, और ये हमारा क्या बन गया? सी एच थ्री, तीन एच इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, तो देखो मैथिल मैथिल मतलब ये एल्किल यहाँ पर है, एल्किल यहाँ पर है। तो दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको एमीन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था यदि एमिनो समूह के साथ दो एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उसे हम द्वितीय एमीन बोलते हैं, एक जुड़ा है तो प्राथमिक एमीन, और तीन जुड़े हैं तो तृतीय एमीन। मैंने ये सब आपको बता के रखा था। तो इसमें ये देखो मतलब एमीन समूह एन होता है, मतलब एमीन समूह का मतलब क्या होता है? एन होता है ना। अब बोलते हो कि सर इसमें आप एच दो लगा देते हो, तो मेरे भाई एच तो हम बैलेंस करने के लिए लगाते हैं ना, बाकी हम कहें तो एमीन क्या होता है? एक ही होता है, एन को ही हम क्या बोलते हैं? एमीन। ठीक है, तो देखो ये हमारा एमीन समूह, और एमीन समूह के साथ दो एल्किल समूह जुड़े हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, है ना। तो इसका नाम है मेरे भाई क्या? द्वितीय एमीन, द्वितीय एमीन, द्वितीय एमीन। ठीक है, तो द्वितीय एमीन हो या तृतीय एमीन हो, एल्किल एमीन तो है ही, है ना। तो ध्यान रखना इसका एल्किल एमीन है। ठीक है, और यदि हम दूसरा नाम देखें तो मैथिल मैथिल, डाई मैथिल और ये एमीन, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? और डाई मैथिल एमीन। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा डाई मैथिल एमीन हो गया। और दोस्तों यदि आपको कोई भी और डाउट रहता है, कोई भी कहीं से भी डाउट रहता है, तो दोस्तों वीडियो के नीचे मेरा नंबर आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, तो आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं ना। क्योंकि या फिर दोस्तों ये जो आपका व्हाट्सएप नंबर से भी मुझसे जोड़ सकते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मुझसे मतलब एसएमएस करके डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं, और मुझे कॉल भी लगा कर सकते हैं। और कॉल दोस्तों आप 1 बजे मतलब 1 बजे के बाद आप लगा सकते हो, दोपहर 1 बजे के बाद मुझसे बात आप कॉल पे कर सकते हो। ठीक है, तो कॉल से बात कर सकते हो मुझसे डाउट सॉल्व करने के लिए, व्हाट्सएप से भी आप जुड़ सकते हो मेरे। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ना। तो ये हमारा द्वितीय एमीन, जिसको डाइमेथिल एमीन बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड से हमने बनाया। ठीक है, अब हम दोस्तों बनाते हैं एसिटामाइड से। क्या? एसिटामाइड, तो फिफ्थ हमारी रिएक्शन है एसिटामाइड, एसिटामाइड से।
एसिटामाइड से, है ना। तो दोस्तों आपको ये डाउट रहता है ये रिएक्शन कैसे आएंगे, तो दोस्तों आपसे यही पूछा जाएगा, जैसे इसका पूछ लिया, बोल दिया जाएगा क्या होता है जब मेथिल आइसोसाइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन किया जाता है, आपसे यही पूछ लेगा। तो आपको बताना है ये पूरी रिएक्शन करके बताना है, आपका आंसर हो जाएगा। और भी जो रिएक्शन है वो सब क्या होता में ही आती है कि क्या होता है इसका, ऐसा क्या होगा, है ना। जैसे हमने और भी पढ़ा था, मतलब मेथिल साइनाइड वाला था पढ़ा था, तो उसमें भी आपसे यही पूछ सकता है क्या होता है मेथिल साइनाइड का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन किया जाता, तो इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो एसिटामाइड से हम एमीन बनाएंगे, है ना। तो दोस्तों एसिटामाइड का फॉर्मूला होता है CH3CONH2। तो दोस्तों मैंने सारे फॉर्मूले आपको बता के रखे हैं, सारे फॉर्मूले जब मैंने ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तभी बता दिया था, ठीक है। तो अभी भी आपने नहीं देखा तो इसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरे भाई एसिटामाइड, एसिटामाइड, ठीक है। अब इस एसिटामाइड से हमें क्या बनाना है मेरे भाई, एमीन बनाना है। तो इस एसिटामाइड की हम ब्रोमीन और KOH के साथ क्रिया कराते हैं, ठीक है। एसिटामाइड से हमें बनाना है तो ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया हम कराते हैं, ठीक है। तो ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, आप समझो, जरा थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जो आपका K है, इस KBr से क्रिया करके बना लेगा KBr, क्या बना लेगा KBr, ठीक है। तो KBr से क्रिया करके KBr बना लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, OH बचा है, क्या बचा है OH, तो ये OH क्या बन लेगा, H2। OH आपस में क्रिया करके H2 बना लेगा, तो आपको दोस्तों पता ही है जब O और H मिलते हैं तो H2O बनता है, तो ये बन गया OH2, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हम क्या करते हैं इसमें, देखो अब ये तो हमारा बन गया, अब इधर से हमें क्या बनाना है, एमीन। देखो Br चला गया हमारा, K चला गया, OH चला गया, सब चला गया, ठीक है। लेकिन हमें एमीन बनाना है तो देखो हमें इसमें से CO को हटाना पड़ेगा तब हमारा एमीन बनेगा। तो CO को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर K की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी, K की संख्या को बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसके 4 K लेंगे, कितने K लेंगे, 4 K लेंगे। तो 4 K में से 2 K इन 2 Br के साथ बना लेगा KBr, तो यहाँ पर 2 KBr बन जाएगा, ठीक है। चलो 2 KBr बन गया। अब यहाँ पर आप कुछ और समझो, अब हमारे पास 4 O हैं और 4 H हैं, 4 O हैं और 4 H हैं, तो 4 O में से 2 O, कितने ओ, 2 O और 4 H आपस में मिलकर ये बना लेंगे 2H2O। तो 2H2O, 4 O H चले गए और 2 O बचे, 2 O चले गए, हमारे पास 2 O बचे हैं और यहाँ पर CO है। जब 2 O को इन CO के साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा CO3, है ना। और ये हमारे पास K2 है, तो K2 मिलकर बनाएंगे K2, तो ये हमारा बन जाएगा K2CO3, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, K2CO3, ठीक है। अब K2CO3 बन गया, अब हमारा ये CO निकल गया इधर से। देखो इस CO ने इन 2 O के साथ CO3 बनाया और K के साथ बना लिया K2CO3, तो हमारा CO भी गया। अब इधर से हमारे पास CH3 बचा और क्या बचा, NH2। तो ये हमारा CH3 और ये हमारा NH2, तो ये मैथिल और ये एमीन, तो ये हमारा बन गया मेरे भाई मैथिल एमीन। तो मैथिल एमीन एल्किल एमीन ही होता है। तो इसमें ये पूछता है क्या होता है जब एसिटामाइड की ब्रोमीन और KOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो आपको ये पूरी अभिक्रिया को बताना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। आपको एक एक चीज समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो थोड़ा वीडियो को फिर से पीछे कीजिएगा और एक बार फिर से देखिएगा, ठीक है। और मस्त तरीके से इंजॉय करते हुएगा पढ़िएगा, है ना। तो दोस्तों और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा, अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोग का भी फायदा हो, ठीक है, और हमारा ही फायदा हो, सबका फायदा हो हम लोग का, ठीक है। चलो दोस्तों अब हम बनाएंगे एरोमेटिक एमीन को, मतलब रिंग के ऊपर NH2, ये हमारा एरोमेटिक एमीन होता है। अब हम इसको बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ये हुआ हमारा
बेंजीन, और इसके ऊपर हमने जोड़ दिया सीएल, तो ये क्लोरो और ये हो गया बेंजीन। ठीक है, तो दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप फॉर्मूले याद कर लीजिए, बिना फॉर्मूले के तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती नहीं है, तो आपसे बार बार बोला जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इसका लिंक दिया है, और देख लीजिएगा और मस्त रहिएगा, इंजॉय करिएगा। ठीक है, चलो, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन से दोस्तों हमें एमीन बनाना है, तो आपको इसकी अमोनिया से अभिक्रिया करानी होगी। तो जब हम इसकी अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे तो होगा क्या मेरे भाई, इसमें से आपको ये तीन एच दिख रहे हैं ना अमोनिया में, तो एक एच एक सी एल के साथ बना लेगा एच सी एल, और एच सी एल हो जाएगा बाहर। अब हमारे पास ये रिंग बची है, और इधर से क्या बचा है, एन एच टू, तो एन एच टू जो है ना वो रिंग पर जाकर जुड़ जाएगा। तो ये रही हमारी रिंग, ये हमारी रही रिंग, और रिंग पर कौन जुड़ गया, एन एच टू। ये रिंग रही और रिंग पर कौन जुड़ गया, एन एच टू, तो एन एच टू जुड़ गया, तो ये हमारा क्या बन गया, एनिलीन, 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 जिसको हम बोलते हैं एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन मतलब रिंग वाला एमीन, समझ गए ना। तो ये हमारा क्लोरोबेंजीन से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दोस्तों बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल से, बेंजोइक अम्ल से। अब ये बेंजोइक अम्ल क्या होता है, तो बेंजोइक अम्ल क्या होता है मेरे भाई, ये आपका रिंग है, और रिंग के ऊपर यदि सी डबल ओ एच लगा है तो ये हमारा बेंजोइक अम्ल है। इस बेंजोइक अम्ल से हमें एरोमेटिक एमीन बनाना है, तो इस बेंजोइक अम्ल की हमें हाइड्रोजोइक अम्ल मतलब N3H के साथ अभिक्रिया करानी पड़ेगी। यही तो होता है हाइड्रोजोइक अम्ल, मैंने अभी बताया आप लोग को, है ना। तो इसके साथ अभिक्रिया कराओगे तो मेरे भाई होगा क्या, इसके साथ अभिक्रिया कराओगे वो ही रहेगा आपका सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति, मतलब ये से हम सिमेंट अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया, सिमेंट अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख भी दे रहा हूँ, सिमेंट अभिक्रिया। ठीक है, तो होगा क्या मेरे भाई, कि जो आपका जो दिख रहा है ना ये भाई सीधा साधा, ये बना लेगा CO2, तो ये हमारा CO2 बना के बाहर हो जाएगा। जब ये CO2 बनाएगा तो N3 दिख रहा है, N3 में दो N N2 बना लेंगे, क्या बना लेंगे, N2 बना लेंगे, तो N2 बना के बाहर। अब हमारे पास क्या बचा, एक N बचा, क्या बचा, एक N, और एक एच ये और एक एच ये, तो एक एन इन दोनों एच के साथ मिलकर क्या बना लेगा, NH2, तो ये हमारी रिंग रहेगी, और रिंग के ऊपर क्या जाएगा, NH2, तो ये हमारा एनिलीन या एरोमेटिक एमीन बन गया। तो बेंजोइक अम्ल से हम ऐसे बना सकते हैं, क्लोरोबेंजीन से हम बना सकते हैं। अब हम आगे और बनाते हैं, तो अब हम बनाते हैं दोस्तों नाइट्रोबेंजीन से, मतलब नाइट्रोबेंजीन से बनाने के लिए हमें नाइट्रोबेंजीन का अपचयन करना होता है, नाइट्रोबेंजीन का हमें अपचयन करना होता है। लेकिन ये नाइट्रोबेंजीन का अपचयन हम दो प्रकार से करते हैं, एक होता है हमारा उत्प्रेर किए अपचयन, उत्प्रेर किए अपचयन, उत्प्रेर किए अपचयन, अपचयन, उत्प्रेर किए अपचयन का मतलब दोस्तों उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराते हैं। उत्प्रेरक और कौन होता है, संक्रमण धातु, मतलब जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के कोई तत्व लेना है और उनकी उपस्थिति में हमें इसका अपचयन कराना है। ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन होता क्या है, तो देखो दोस्तों बेंजीन तो आपका ये होता है ना, ये बेंजीन तो आपका ये होता है, और नाइट्रो क्या होता है, NO2 ये होता है। ठीक है, नाइट्रो NO2 होता है, तो ये हमारा नाइट्रोबेंजीन हो गया। इसका हमें अपचयन कराना है, तो मतलब नवजात हाइड्रोजन आपको लेना पड़ेगा, और इसका हमें उत्प्रेर की अपचयन कराना है, मतलब कोई आपको उत्प्रेरक लेना है। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों उत्प्रेरक लेंगे निकिल और प्लेटिनम, निकिल और प्लेटिनम, अपने हिसाब से कोई और दूसरा भी धातु, संक्रमण धातु आप उत्प्रेरक के रूप में ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम दोस्तों लेंगे इसके 6H, कितने एच लेंगे, 6H, तो 6H में से जो 4H होंगे, 4H इन दो O के साथ बना लेंगे 2H2O, बन गया। अब हमारे पास 2H बचे, तो 2H इस N के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारी रिंग और ये हमारा NO2, तो ये हम सॉरी NH2,
तो ये बन गया। देखो, 4H2 के साथ 2H2 बना लिया, और 2H बचे तो 2HSN के साथ जुड़ गए, तो ये हमारा बन गया एनिलीन, मतलब तो दोस्तों ये क्वेश्चन की बात करें कि ये क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में कैसे, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, नाइट्रो मतलब क्या होता है जब नाइट्रो बेंजीन का उत्प्रेर के अपचयन करवाया जाता है। मतलब क्या, इसने क्या बोला, क्या होता है जब नाइट्रो बेंजीन का उत्प्रेर के अपचयन कराया जाता है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या होता है जब नाइट्रो बेंजीन का अम्लीय अपचयन कराता है ना। तो अब सेकेंड अम्लीय अपचयन द्वारा हम बनाते हैं बेंजीन, ठीक है। तो देखो, नाइट्रो बेंजीन हमारा सेम रहा, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन रिंग के ऊपर NO2 है ना, अपचयन हमें करा नहीं है तो H ले लिया है ना, और अपचयन हमें किसके द्वारा कराना है, अम्ल के द्वारा, ठीक है। तो अम्ल के द्वारा हम अपचयन कराएंगे, तो अम्ल ले लेंगे हम HCl, तो HCl द्वारा हम अब इसका अपचयन कराएंगे, और यहाँ पर हम टिन और देंगे, है ना, मतलब टिन और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं, तो देखो इसमें अम्ल है, इसलिए हम बोलते हैं इसको अम्लीय अपचयन, ठीक है। तो इसमें भी हम 6 ही H लेंगे, है ना, तो 6H में से 4H2O के साथ बना लेंगे 2H2O। अब 2H बचे, इस N के साथ जुड़ जाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा NH2, जो हमारा एनिलीन होगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी, एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।